नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल इंस्टीट्यूट पर। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हम पढ़ रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। ये 47th पार्ट है, इससे पहले 46 पार्ट बन चुके हैं। ये 5 क्वेश्चन सीरीज चल रही है, जिसके माध्यम से मैं आपको डिफरेंट टॉपिक्स के क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹1170, अ मैन अलाउज 10% डिस्काउंट एंड अर्न 30% प्रॉफिट। इफ द आर्टिकल इज सोल्ड एट 5% डिस्काउंट, वॉट शुड बी द प्रॉफिट परसेंट। तो बोल रहा है कि ये क्वेश्चन अगर हम देखें यहाँ पर भाई, इसको हम करते हैं किस तरीके से। आपको दिया है कि बाय सेलिंग एन आर्टिकल 1170, ठीक है, 1170 का वो आर्टिकल बेचता है। मैन अलाउड 10% डिस्काउंट, ठीक है, और कितना अर्न करता प्रॉफिट 30%। तो पहले तो निकालते हैं एमपी, कितना आएगा एमपी, 1170 100/90। ये तो आ गया हमारा एमपी विद डिस्काउंट जो 10% का। अब दोबारा डिस्काउंट कितना दे देता है वो, 5% का। मतलब कि अब निकालेंगे एमपी से नया एसपी, तो मतलब कि यहाँ पे 95 मल्टीप्लाई बाय आ जाएगा 100, करेंगे सॉल्व तो यहाँ से आ जाएगा नया एसपी हमारा। चलिए, इससे ये गया 9 1 9 और 13 ज़ा, तो 13 5 ज़ा 65 और 13 9 ज़ा 117 और 6 23 है। 13 9 ज़ा 117 और 6 कितना होगा, 223। तो 2 2 2 3 5, ये आ गया नया एसपी। अब निकालते हैं सीपी। तो 1170 दे रखा है हमें, मल्टीप्लाई बाय एसपी से सीपी निकालना, तो 100 बाय कितना प्रॉफिट है, 130 का, 30 का प्रॉफिट है। तो 13 9 ज़ा, मतलब कि 900 हमारा क्या आ गया, सीपी आ गया। तो भाई 900 सीपी है, 2 2 3 5 क्या है, ये एसपी है, तो निकाल सकते हो आप 2 2 3, ये 1 1 2 3 5 आएगा, सॉरी 1 1 7 में तो ऐड किया हमने 6, तो 1 2 3 5 हमारा एसपी है और 900 है हमारा सीपी। तो आराम से आप निकाल सकते हो प्रॉफिट परसेंट, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, एक तरीका और है, आप ऐसे भी कर सकते हो। मैंने बताया था आपको, अगर आपको प्रॉफिट दे रखा है और डिस्काउंट दे रखा है, तो हम एमपी और सीपी में निकाल सकते हैं रिलेशन। तो एमपी बाय सीपी इज इक्वल टू होता है क्या, 100+ प्रॉफिट, तो कितना प्रॉफिट है, 30% का प्रॉफिट है, और 100 माइनस डिस्काउंट, तो 10% का पहले हमें डिस्काउंट मिला हुआ है, तो 130/90। ये तो आ गया हमारा सीपी और एमपी में रेशियो, बात समझ में आई। तो मतलब कि सीपी अगर 90 है तो एमपी 130 है, बट अब एमपी क्या हुआ, उसमें भी वो क्या कर रहा है, डिस्काउंट दे रहा है 5% का, मतलब कि नया एसपी क्या आ जाएगा, 130 मल्टीप्लाई बाय 95/100। ठीक है, तो करेंगे सॉल्व ये, तो इससे ये गया 5 2 10, 5 1 5, 5 5 45, करेंगे सॉल्व इसको, तो यहाँ से आ जाएगा एसपी, और फिर आप सीपी दे रखा है आपको, वहाँ से आप प्रॉफिट परसेंट आराम से निकाल सकते हैं, बात समझ में आई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अ शॉपकीपर गिव्स 4 आर्टिकल्स फ्री ऑन द परचेज ऑफ एवरी 12 आर्टिकल्स। ही ऑल्सो अलाउ अ डिस्काउंट ऑफ 20% टू कस्टमर एंड स्टिल अर्न 20% प्रॉफिट। फाइंड द रेशियो ऑफ सीपी टू एमपी ऑफ द आर्टिकल। वो बोल रहा है कि जब कोई व्यक्ति 12 आर्टिकल परचेज करता है, तो वो 16 आर्टिकल देता है उसको, बात समझ में आ रही है, कितने देता है आर्टिकल, 16 आर्टिकल, ठीक है, और इसके अलावा वो 20% डिस्काउंट भी देता है, ठीक है, और 20% प्रॉफिट भी वो कमा लेता है उसमें, ठीक है। हमें बताना है सीपी और एमपी में रेशियो। तो दोस्तों, अगर वो 16, माना कीजिए कि मैं मान लेता हूँ यहाँ पर एक आर्टिकल का प्राइस कितना है, 1 रुपये है, तो 16 का जो प्राइस है, मतलब जो उसने परचेस किया होगा सीपी 16 आर्टिकल्स का, जो है वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 16 रुपये, ठीक है। अब उसको 20% प्रॉफिट भी कमाना है, तो मतलब कि 20% प्रॉफिट का मतलब 120/100, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पर, ये इससे गया कितना आ जाएगा भाई, 12 2 36 32, सॉरी 16 16 और 3 19, मतलब कि 1.92 आ गया। 1.92 जो है वो 16 आर्टिकल का प्राइस है, वो कितने बेचता है, 12 बेचता है। तो इसको यहाँ पर सॉल्व ना करके ना भाई, हमारा जो एसपी आया है 16 आर्टिकल का, कितना आया है, 16 × 120/100, ये आया है 16 आर्टिकल का, बट वो बेच कितने रहा है, 12, तो
तो 12 यहाँ पे आ जाएगा, तो 12 से 12 गया, 80 हो गया, तो 1.6 का वो एक आर्टिकल बेचता है। बात समझ में आई है? 1.6 का वो एक आर्टिकल बेचता है, परचेस करता है 1 रुपये में, सीपी जो है 1 रुपये है, सीपी यहाँ पर जो है आ रहा है आपका 1 रुपये मैंने माना, बट एसपी जो है कितना आ गया 1.6। ठीक है, एमपी कितना आएगा? एसपी से हम निकाल सकते हैं एमपी, हमें दे रखा है डिस्काउंट परसेंट कितना है, 20% है, तो भाई 100/80, ठीक है, इससे गया 8 × 16, मतलब कि एमपी जो है हमारा 2 आ गया। तो सीपी और एमपी में कितना रेशियो आ गया? 1:2, ये आंसर हो जाएगा आपका। तो एक मेथड तो ये है, दूसरा मेथड क्या है? वही जो मैंने बताया था आपको, सीपी और एमपी में निकालेंगे रेशियो, तो एमपी बाय सीपी कितना हो जाएगा, 100+ प्रॉफिट कितना है 20% का, और डिस्काउंट कितना है 20% का, तो ये आ जाएगा 120/80। तो यहाँ से 2 4 8, 4 2 8, 4 3 12, मतलब कि 3/2 एमपी और सीपी में रेशियो आ गया। बात समझ में आ रही है? फाइंड द रेशियो ऑफ सीपी टू एमपी, बट यहाँ पर दे रखा है जो एमपी है वो निकाला है 12 आर्टिकल्स पे, और जो सीपी निकाला है वो निकाला है हमने 16 आर्टिकल्स पे, तो मतलब कि एमपी ऑफ 1 आर्टिकल कितना आ जाएगा, 3/12, ठीक है, और सीपी ऑफ 1 आर्टिकल 2/16। अब करो सॉल्व इसको, तो 3 1 3, 3 4 12, 2 6 12, 2 8 16, तो मतलब कि 4 जाएगा नीचे और 8 ऊपर, तो मतलब 8/4, तो 2/1, मतलब कि एम पी और सी पी में रेशियो कितना आ गया, 2/1 आ गया। बात समझ में दोस्तों? मैंने क्या करा इसके अंदर भाई, मुझे मालूम चल गया कि एम पी और सी पी में जो रेशियो है वो 3/2 है, बट लेकिन 3/2 जो है, 3 जो एम पी है वो है कितने आर्टिकल्स का, वो है 12 आर्टिकल्स का, एस पी जो है 12 आर्टिकल्स का निकाला था हमने, लेकिन सी पी जो है वो है 16 आर्टिकल्स का, ठीक है, तो हमें इसको सॉल्व करना है। तो 3 4 2 8 कितना आएगा, ये 8/4 आएगा या नहीं आएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 2/1 आएगा या नहीं आएगा, तो ये आप ये भी यूज़ कर सकते हो मेथड, ठीक है, ये और इजी मेथड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द टोटल कॉस्ट ऑफ 8 बुक्स एंड 5 पेंस इज 92, देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ 3 बुक्स एंड 2 पेंस इफ द कॉस्ट ऑफ 5 बुक्स एंड 8 पेंस इज 77। आपको दिया है कि 8 बुक्स और 5 पेन की कॉस्ट दे रखे कितना, 92, और 5 बुक्स और 8 पेन की कॉस्ट दे रखे कितना आपको, 77। जरा इनको आप ऐड करिए, तो 13 कॉमन आ जाएगा, बुक प्लस पेन इज इक्वल टू 7 और 2 9, 9 7 16, तो ये क्या 13 से कट गया, तो बुक प्लस पेन की वैल्यू कितना, 13 आ गई। अब जरा इनको माइनस कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, 3 कॉमन आएगा, बुक माइनस पेन इज इक्वल टू 12 में 7 गए 5 15, मतलब कि 5 आ जाएगा। तो यहाँ से 2 इक्वेशन आ रही है, एक तो बुक प्लस पेन इज इक्वल टू 13 और बुक माइनस पेन इज इक्वल टू 5, इनको आपस में सॉल्व करेंगे तो बुक और पेन की वैल्यू आ जाएगी, और यहाँ पर जो है 3 × बुक की वैल्यू प्लस 2 × पेन की वैल्यू करेंगे, आपका आंसर आराम से आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अ मैन सेल्स अ टेबल एट 12% लॉस एंड अ बुक ऑन 19% प्रॉफिट एंड अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 160। भाई वो 12% लॉस पे बेचता है किसको, टेबल को, और प्रॉफिट में बेचता है बुक को, तो उसको प्रॉफिट होता है कितना, 160 का। बात समझ में आ रही? सिमिलरली वो 12% प्रॉफिट में बेचता है जब टेबल को, और 16% लॉस में बेचता है जब बुक को, तो उसको आती है लॉस कितना, 40 का। इनको आपस में ऐड कर दो, उससे गया ये, तो 3 बुक इज इक्वल टू कितना आ गया, 120, ठीक है, तो बुक कितना आ जाएगा, एक का, तो बुक परसेंट इज इक्वल टू 40 आएगा, नहीं आएगा, तो बुक की कॉस्ट कितनी आ जाएगी भाई, 4000 आएगी, ऑब्वियस सी बात है भाई, 100 × में जाएगा, तो बुक की कॉस्ट कितनी आएगी, 4000, यहाँ पुट कर देना किसी भी इक्वेशन में, तो टेबल की कॉस्ट आराम से आपकी यहाँ पर आ जाएगी। साइन का ध्यान रखना कि जहाँ माइनस है वहाँ माइनस लगा रहने देना, और जब प्लस है वहाँ प्लस ही लगा रहेगा। बात समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं। अ मैन सेल्स 2 आर्टिकल्स, फर्स्ट एट 15% लॉस एंड सेकेंड एट 19% प्रॉफिट। इफ ड्यूरिंग द होल ट्रांजेक्शन
ही बियर्स अ लॉस ऑफ 90 रुपीज़ इफ ही सेल बोथ आर्टिकल्स एट सेम प्राइस देन फाइंड द सीपी ऑफ सेकेंड आर्टिकल। सबसे अच्छी बात इसमें दे रखी है कि जो ही सेल बोथ आर्टिकल्स एट सेम प्राइस, मतलब कि एस पी सेम है। तो सपोज सी पी पहले वाले का सी वन मान लिया, मल्टीप्लाई बाय क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो 85 ठीक है इज इक्वल टू दूसरा माना सी मैंने सी टू, उस पर हो रहा है प्रॉफिट, तो 119 आ गया। बात समझ में आई, इससे ये गया 17 5 जा 17 7 जा, तो सी वन बाय सी टू यहाँ से कितना आ जाता है, 7/5 आ जाता है। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पे। चलिए तो यहाँ पे कितना भाई, अगर एस पी सेम है तो सी पी का जो डिफरेंस होगा वही लॉस होगा या प्रॉफिट होगा। बात समझ में आ रही है, तो सी पी का डिफरेंस कितना है यहाँ पर, 2 है ना, 2 डिफरेंस है सी पी का, बट आपको दिया कितना है लॉस, 90 रुपीज़, मतलब कि 2 इज इक्वल टू 90, तो 1 इज इक्वल टू 45 ठीक है। तो आपको निकालना है सी पी ऑफ सेकेंड आर्टिकल, तो सी पी ऑफ सेकेंड आर्टिकल कितना है, 5 के इक्वलेंट है, मतलब कि जब टू टू इक्वलेंट है 90 के, तो हमें निकालना है 5 के इक्वलेंट कितनी वैल्यू आ जाएगी, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 45 वो आपका हो जाएगा आंसर। तो 45 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 5 5 जा 25, 5 4 20 और 2 225 जो है सी पी है दूसरे आर्टिकल का। बात समझ में आई। तो दोस्तों अगर आपको जो मैंने क्वेश्चन बताया आज समझ में आए होंगे, तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, हैव अ वेरी नाइस डे।